तो क्वेश्चन दिया हुआ द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स एट टर्म, यानी 14th टर्म जो है 8th टर्म के ट्वाइस की इक्वल है, यानी 14वां पद इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8वां पद। और आगे क्या दे रहा है, इफ 6th टर्म इज, छठवां पद जो है माइनस 8 है, छठा पद क्या माइनस 8 है, तो क्या करना है फाइंड, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। तो क्या करना है, फर्स्ट 20 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, सम निकालनी, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया, कंसीडर कर लेते हैं ए, क्या हो गया ए, और साथ में कॉमन डिफरेंस भी कंसीडर कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हो गया आपका कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस को डी कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14th टर्म जो है टी 14 है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ टी 8, ठीक है, टी 14 किसके इक्वल है 2 टाइम ऑफ टी 8। टी 14 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 30 डी, ठीक है, डी के साथ क्या लिखना है 14 माइनस 1 करके यहां पर लिख देना, एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए के प्लेस पर ए लिखेंगे, एन के प्लेस पर 14 माइनस 1 यहां पर लिख देंगे 30 डी, ये हो गया 2 टाइम ऑफ टी 8 लिखना है, टी 8 की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 8 माइनस 1 70। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये तो आपका 2a और 7 2 जा 14 डी, और इस साइड पे आपका ए प्लस 30 डी आ रहा है, ज्यादा क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2a और ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस a इज इक्वल टू a, 13d इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14d माइनस 13d इज इक्वल टू d, और इधर आपका रिमेनिंग क्या रहा, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया 0, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड एटी क्यू क्या बोल रहा है, सेकंड एटी क्यू क्या कह रहा है, सिक्स्थ टर्म क्या है, सिक्स्थ टर्म इज माइनस 8, सिक्स्थ टर्म क्या है माइनस 8 है, तो सिक्स्थ टर्म माइनस 8 है, तो t 6 इज इक्वल टू माइनस 8, t 6 की वैल्यू क्या है, a प्लस 5d, इससे कम आ जाएगा, 6 से कम 5, और यहां पर आपका माइनस 8 आना है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को सेपरेट करते हैं, 5d माइनस d इज इक्वल टू 4d, a माइनस a इज इक्वल टू 0 तो नहीं लिखेंगे, माइनस 8 और 0 इज इक्वल टू माइनस 8, 4d is equal to minus 8 है, क्या है, 4d is equal to minus 8, तो d is equal to क्या हो जाएगा, minus 8 divided by 4 is equal to 2, d की वैल्यू आ गई 2, ये d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में हम लोग इसको वैल्यूज को रख देते हैं, ठीक है, तो जैसे इस वैल्यू को रखेंगे d की वैल्यू यहां पर रखेंगे 2, और ये ट्रांसपोजिशन होकर इस साइड आएगा, तो a is equal to क्या हो जाएगा प्लस 2, सॉरी माइनस 2 है, माइनस आएगा, माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये माइनस, अब जब यहाँ रखें तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, a की वैल्यू 2 आ गई, बट मेरा आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, यानी पहले 20 पदों का योग हमको निकालना है, 20 पदों का योग निकालने के लिए सम का फार्मूला, Sn का फार्मूला लगाएं, सम ऑफ n टर्म, क्या होगा सम ऑफ n टर्म, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, n की वैल्यू क्या है 20 निकालना है, 20 निकालना है ना, क्या निकालना है 20, तो n के प्लेस पर 20 बाय 2, 2 के प्लेस पर 2, a की वैल्यू उन्होंने क्या निकाला अभी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है माइनस 2, d की वैल्यू भी उन्होंने निकाला माइनस 2, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट कर दे रहे हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10, ये 2 2 सा 4 होना है, प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई में माइनस 2, ठीक है, 10 का 10 रहना है, 4 का 4 रहना है, 19 2 सा 38, बट प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 38 हो गया, इसको सिंपलीफाई करते हैं 10, 38 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 34, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है,
ग्रेटर का सिंबल लगना है सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 38 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 34, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 340। S20 की वैल्यू क्या आएगी 340, जो आपको निकालना था। तो आंसर आ चुका है कि पहले 20 पदों का जोड़ मेरा कितना है माइनस 340, 340 माइनस के साथ, ठीक है।